हेलो एंड वेलकम टू इस पी एम आई एस अकेडमी टूडे वी विल एनालाइज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पेपर आर्टिकल्स ऑफ फोर्थ फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी टू प्लीज नोट यू कैन डाउनलोड द पी डी एफ वर्जन ऑफ टुडेज न्यूज़ पेपर अनालिसिस बाई क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द कॉमेंट सेक्शन यू कैन ऑल्सो जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन फॉर मोर स्टडी मटीरियल तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने कल भी आपको कहा था कि फिफ्थ फेबरी को इस साल सरस्वती पूजा है तो एस पी एम आई एस की तरफ से मैं आप सबको इन्वाइट करता हूँ हमारे सेंटर पर आने के लिए प्लीज़ कम टू आर सेंटर इफ़ यू आर इन गुवाहाटी इफ़ इट इज़ मैनेजेबल ये हमारे सेंटर का एड्रेस है और पूजा कल नौ बजे से स्टार्ट होगी सो so इफ़ पॉसिबल आप आइए और हम लोग वहाँ पे तो मिल सकते हैं कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं है बट आप लोग इफ़ मोर एंड मोर स्टूडेंट्स कम वी विल फील गुड अबाउट इट और हर साल वैसे कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स आते ही हैं जो मुझे डायरेक्टली मुझे नहीं जानते पर्सनली नहीं जानते तो इस दिन मुलाकात होती है कि सर मैं न्यूज़ पेपर एनलिसिस फॉलो करता हूँ तो आई ऑल्सो फील गुड स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगता है सो so, कल भी मैंने कहा था आज भी फिर ये इन्विटेशन मैं फॉर्मली आपको दे रहा हूँ विद दिस एड्रेस प्लीज़ कम This is द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल be कवरिंग from today's newspaper. The first द फर्स्ट आर्टिकल इज editorial segment. It सेगमेंट इट इज़ अबाउट द पाकिस्तान चाइना this एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट syllabus paper सिलेबस पेपर relations इंटरनेशनल of पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्ट समझते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे ये एलिगेशंस लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ख़राब है और इन फॉरेन पॉलिसी ख़राब फॉरेन पॉलिसी के कारण पाकिस्तान और चाइना और भी ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं और इस कारण से इंडिया के ऊपर थ्रेट और भी ज़्यादा बढ़ गया है दीज टू कंट्रीज़ हाँ पुट इंडिया अंडर एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ऑफ ट्रू फ्रंट वॉर टू फ्रंट वॉर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब होता है इंटरनेशनल मतलब होने का हमेशा डर बना रहे उसको हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट और टू फ्रंट वॉर यानी कि दोनों साइड से पाकिस्तान और चाइना दोनों साइड से वॉर होने के एक साथ साइमल्टेनियस वॉर होने के चांसेस बढ़ गए हैं एज पर राहुल गांधी जी बिकॉज ऑफ द पुअर फॉरन पॉलिसी ऑफ करेंट गवर्नमेंट तो आखिर किस फॉरेन पॉलिसी का वो जिक्र कर रहे हैं वो भी ज़रा समझते हैं वैसे तो उन्होंने एक्सप्लिसिटली नहीं कहा कि कौन से पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करें उन्होंने इन जनरल कहा कि मौजूदा सरकार की फॉरेन पॉलिसी ख़राब है लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने जो भी बाद में एनालिस्ट्स हैं उनकी माने तो राहुल गांधी जी जिक्र कर रहे हैं अबाउट इंडियाज़ पॉलिसी ऑन जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है कि लगभग तीन साल पहले फिफ्थ अगस्त 2019 इंडिया चेंज टेरिटोरियल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसको स्टेट से दो यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया और उन दो यूनियन टेरिटरीज़ का नाम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है उसके पहले जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस भी मिल रखा था अंडर आर्टिकल 370। तो मुद्दा ये है कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर को लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए 2019 में फिफ्थ अगस्त 2019 को और उसको लेकर के उसके कई सारे जो प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स उसको भी बदले अब ऑफ कोर्स इंडिया ऐसा कर सकता है बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया राइट लेकिन ऐसा पाकिस्तान और चाइना का मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो यहाँ जा के डिफरेंसेज आ जाते हैं इंडिया की अंडरस्टैंडिंग और पाकिस्तान और चाइना की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के सिंस जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया सो इंडिया कैन मेक एनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस विदाउट कंसल्टिंग एनी फॉरेन कंट्री एंड दिस इज वॉट विद डेट ऑन फिफ्थ अगस्त टू बट पाकिस्तान एंड चाइना बिलीव कि जम्मू एंड कश्मीर इज ए डिस्प्यूटेडेडेडेडेड टेरेटेरी एंड दैट इज वाई इफ एनी चेंज हैज टू बी ब्रॉट इन दिस रीजन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हैज़ टू बी ब्रॉट इन दिस रीजन दैट हैज़ टू बी डन ओनली आफ्टर टेकिंग पाकिस्तान एंड चाइनीज साइड इंटू कॉन्फिडेंस तो ये जो चेंज लाया इंडिया ने दैट इज़ कंसिडर टू बी अनवॉरटेड बाई द टू साइड पाकिस्तान और चाइना पाकिस्तान ने तो जगह जगह पर क्रिटिसाइज़ किया है इंडिया के इस मूव को ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में यूनाइटेड नेशंस में क्रिटिसाइज़ किया है लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि चाइना ने जो गलवान वैली के अंदर वायलेंस दिखाया अग्रेशन दिखाया इन मे ट्वेंटी ट्वेंटी विच लेड टू मटायर ऑफ अबाउट ट्वेंटी इंडियन सोल्जर्स दैट वॉज डायरेक्टली आन आउटकम ऑफ इंडिया इज यूनीटरल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज इन जम्मू एंड कश्मीर तो कहीं ना कहीं चाइना भी अपने आप को एक स्टेक होल्डर मानता है जम्मू कश्मीर के अंदर क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इंडिया का लद्दाख के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है अक्साई चीन वाला एरिया है तो ऑफकोर्स इंडिया का ही बट इट इज़ करेंटली अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना सो चाइना बिलीव इट इज ऑल्सो ए पार्टी टू दिस कश्मीर इशू एंड दैट इज़ वाई एनी चेंज इफ इट हैज़ टू बी ब्रॉड रिगार्डिंग कश्मीर नीड्स चाइना नीड्स टू बी कंसल्टेड बिफोर सो ये तो राहुल गांधी जी का एलिगेशन था मुद्दे पर आते हैं वापस से राहुल गांधी जी ने एलिगेशन लगाया कि भाई मौजूदा सरकार की पॉलिसी और भी खराब रही है जिस कारण से चाइना और पाकिस्तान नज़दीक आ गए हैं अब उन्होंने इस कश्मीर मुद्दे की बात स्पेसिफिकली नहीं की है लेकिन आर्टिकल्स में लिखा जा रहा है कि परहैप्स वॉज इंडिकेटिंग एट इंडिया पुअर फॉरन पॉलिसी रिगार्डिंग कश्मीर इस पर जवाब देते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा है कई सारे ट्वीट्स किए हैं उन्होंने जिस पर उन्होंने कहा है कि मतलब थोड़ा सर्केस्टिक तरीके से ही कि राहुल गांधी जी को थोड़ा सी हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है लेकिन ठीक है ऐसी बातें हम एग्ज़ाम में तो लिखते नहीं इस तरीके से और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है इट इज़ नॉट वेरी न्यू एंड इट हैज़ नॉट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर 2019 इंडियाज चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर द पाकिस्तान चाइना बॉन्ड होमी इज़ क्वाइट ओल्डर एंड इट इज़ इनफैक्ट डिकेट्स ओल्ड और फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर इस इंडियन एक्सप्रेस ने पाकिस्तान और चाइना की पूरी हिस्ट्री ट्रेस की है इनकी रिलेशंस की हिस्ट्री ट्रेस की ट्रेस की है जिसको मैं इस आर्टिकल में कवर कर रहा हूं ताकि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में और भी कुछ कुछ नई चीज़ें पता लगें तो देखिए राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया मीन्स कोल्ड वॉर के टाइम में ना ही हमने यूएसएसआर ब्लॉक ना ही यूएस ब्लॉक को ज्वाइन करने का सोचा क्योंकि तो आपको पता है एक तरफ हम, हमारे जैसे तमाम देशों की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या पोस्ट कलोनियल स्टेट्स हैं इनकी आज़ादी हुई और दूसरे तरफ पूरा दुनिया जो है इट ट्रांजिशन इन टू न्यू एरा नोन एज कोल्ड वॉर तो कोल्ड वार में हम तो नॉन अलाइन रहने की कोशिश की हमने लेकिन पाकिस्तान इट ओपनली इट ब्लैटेंटली ज्वाइंट दिस यू एस ब्लॉक इनफैक्ट इट साइंड टू अग्रीमेंट सियाटो एंड सेंटो अग्रीमेंट टू बी पार्ट ऑफ यू एस ब्लॉक एंड यू एस ब्लॉक मीन्स पाकिस्तान इनिशियली वॉज एंटी सोवियत नॉन सोवियत ब्लॉक यानी कि यूएस ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया उसने और चाइना स्टार्टिंग से ही आपको पता है चाइना ऑल्सो स्टैंड फॉर द फिलोसफी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म तो चाइना वॉज अंडर माओ तो इनिशियली चाइना वॉज़ वेरी क्लोज टू सोवियत यूनियन क्योंकि दोनों की फ़िलोसफी में बहुत ज़्यादा सिनोनिमिटी है तो चाइना इन द अर्ली फेज वॉज प्रो यू एस एस आर वाइल पाकिस्तान वॉज प्रो यू एस एंड दैट इज़ वाई इन द अर्ली फेज देर वेर सम डिफरेंसेज बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना बट एट द सेम टाइम इंडिया दो वॉज पार्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बट हैड इट्स सोशलिस्ट लीनिंग राइट सिंस बिगनिंग क्योंकि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू उनकी जो फिलासफी थी दैट वॉज मोर सोशलिस्ट इन नेचर और उसके अलावा इंडिया ने चाइना के साथ पंचशील अग्रीमेंट साइन कर दिया नाइनटीन फिफ्टी फोर में द अग्रीमेंट दैट इंडिकेटेड टू वार्ड्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस स्लोगन भी दिया गया हिंदी चीनी भाई भाई हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जैन इन लॉय ने मिल के चाइनीज प्रीमियर थे उन्होंने मिल के ये स्लोगन भी दिया तो मुद्दा ये है कि स्टार्टिंग के पाँच सात दस सालों तक तो पाकिस्तान वॉज़ प्रो यू एस एंटी चाइना वेल इंडिया वॉज़ मोर क्लोज़ टू चाइना लेकिन फिर एक मेजर शिफ्ट आया नाइनटीन सिक्सटी टू वॉर के बाद 1962 सिक्सटी टू वॉर किस कॉन्टेस्ट में हुआ क्या उसका बैकग्राउंड है वो तो सब आप जानते ही हैं दोनों ही साइड इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे के लिए थोड़े से डाउटफुल हो गए अप्रीहेंसिव हो गए इंडिया ने दलाई लामा को जो पॉलिटिकल रिफ्यूजी थे तिब्बत एरिया से उनको रिफ्यूज दिया इंडिया में दो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि इज ए रिलीजियस लीडर वी डिड नॉट सी हिम एज अ पॉलिटिकल लीडर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई रिगार्डिंग फॉरवर्ड मार्च पॉलिसी ऑफ इंडिया इन दिस अक्साइचिन रीजन तो ये सब तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ तो चाइना को इन सब कारणों से अप्रिहेंशन हुआ और अब चाइना भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था चाइना ने रोड्स क्रिएट बना दिए थे अक्साइचिन वाले एरिया में चाइना ने मैकमोहन लाइन जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में बाउंड्री है उसकी लीगलिटी को आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया था तो इन सब कारणों के बाद धीरे 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 दोनों देशों के बीच में इंडिया एंड चाइना के बीच में हॉस्टिलिटी बढ़ गई एंड दैट अल्टीमेटली कलमिनेटेड इन टू वॉर साइनो इंडिया वॉर दैट वी ऑल नो वेरी मैसिव डिजास्टर फॉर इंडियन साइड और उसके बाद से धीरे धीरे इक्वेशंस बदलने लगे दो मेजर चीज़ें हुई एक तो इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हो गई और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तो पहले से हॉस्टिलिटी थी ही और इसी कारण से चाइना और पाकिस्तान नज़दीक आने लगे वही ओल्ड लॉजिक जो इंटरनेशनल ट्रांसिलेशन में चलता है एनिमीज़ एनिमीज़ फ्रेंड और फिर 1962 के बाद से पाकिस्तान चाइना काफ़ी नज़दीक आने लगे और 1963 में ही पहला बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान और चाइना ने और इस बाउंड्री एग्रीमेंट की मदद से 1963 में पाकिस्तान गेव अवे पार्ट ऑफ पीओके ये वाला एरिया देखिए साक्सकम वैली इसको कहते हैं साक्सकम वैली जो यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया पाकिस्तान गिफ्टेड अवे दिस साक्सकम वैली ऑफ पी ओके टू चाइना तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में कुछ लैंड को लेकर के डिस्प्यूट था इस एरिया में और उसको पाकिस्तान ने कंपनसेट किया इस साक्सकम वैली को दे करके टू चाइना तो मुद्दा यह कि है ये पी का तो ऑफ कोर्स इट इज़ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी बट नॉट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में और पाकिस्तान ने यह साक्सकम वैली को दे दिया है चाइना को और तो तब तो तो से 1963 से द साक्सकम वैली इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ चाइना तो इसी कारण से साक्सकम वैली हो जाए अक्साई चीन हो जाए इन कारणों से चाइना अपने आप को पार्टी मानता है टू जम्मू एंड कश्मीर टेरिटोरियल इशूज़ एंड दिस इज़ हाउ फिफ्थ ऑगस्ट टू थाउजेंड नाइनटीन में जो भी इंडिया का फैसला था इट डिड नॉट जस्ट प्रोवोट पाकिस्तान इट ऑल्सो प्रोवोट चाइना इक्वली तो ये तो बात हो गई नाइनटीन सिक्सटी टू चाइना इंडिया वॉर और पाकिस्तान और चाइना के नज़दीक आने की बात उसके अलावा जो यू एस एस आर और चाइना थे जो पहले एक साथ थे बिकॉज ऑफ़ द आइडियोलॉजी ऑफ कॉम्युनिज्म वो उनमें डिफ्रेंसेज जाने लगी और उनके डिफरेंस के पीछे मेन कारण है माओ जेदांग जो चाइना के लीडर थे और यू के लीडर क्रूशेव तो दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग थे रिगार्डिंग सोशलिज्म या कॉम्युनिज्म आपको अगर आपने पॉलिटिकल साइंस थ्रोरी भी पढ़ रखी है बेसिक फिलोसफी भी जानते तो आपको पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्जैक्टली डिफाइन वॉट सोशलिज्म और कॉम्युनिज्म फॉर और किस तरह की सोसाइटी दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज वेयर देर वॉज मैसिव डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन क्रुशचे ऑफ यू एस एस आर एंड माओ ऑफ सोवियत यूनियन रिगार्डिंग द काइंड ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी दे वॉन्टेड टू हैव द काइंड ऑफ सोशलिस्ट वर्ल्ड दे वॉन्टेड टू हैव दे आर डिफरेंट विजन एंड बोथ ऑफ देम वॉन्टेड टू बी द लीडर ऑफ कोर्स रशिया को या यू को लगता था कि भाई हमारे यहाँ पे पहले रिवॉल्यूशन आया है तो रसिया शुड बी द लीडर ऑफ सोशलिस्ट वर्ल्ड जबकि माओ को लगता था कि माओ एंड चाइना शुड बी द लीडर ऑफ सोशलिस्ट वर्ल्ड तो इन सब कारणों से रसिया और चाइना के बीच में डिफरेंसेज आ गए यूएसएसआर और चाइना के बीच में डिफरेंसेज आ गए तो फिर से इक्वेशन समझिए स्टार्टिंग में इंडिया चाइना और यूएसएसआर मोर और लेस एक साथ थे यूएस पाकिस्तान एक साथ था लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया और चाइना के बीच में डिफरेंसेज हुए सोवियत और चाइना के बीच में डिफरेंसेज हुए तो नेचुरली इंडिया और सोवियत के बीच में अप्रॉक्सिमिटी बढ़ गई और धीरे धीरे चाइना पाकिस्तान नज़दीक आने लगे क्योंकि चाइना वैसे नाम का सोशलिस्ट रह गया लेकिन यूएसएसआर के साथ इसने अपने अलायंस को कम कर दिया तो इस तरह का कुछ इक्वेशन बना और नाइनटीन में कुछ और भी बातें हुई चाइना जो अब सोवियत यूनियन से दूर हो चुका था उसने पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सिमिटी बनानी शुरू की और पाकिस्तान ब्रोकर्ड अ सीक्रेट डील बिटवीन यू एस एंड चाइना तो उस टाइम के जो पाकिस्तान के रूलर थे जनरल याहिया खान ही स्टार्टेड एन आउटरीच प्रोग्राम बिटवीन यू एंड चाइना तो देर वॉज अ सीक्रेट मीटिंग बिटवीन रिचर्ड नेक्सन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ़ यू एस एंड चाइनाज़ माओ जिदांग इन नाइनटीन सेवेंटी तो इस तरीके से चाइना और यू एस वैसे देट वॉज अ सीक्रेट मीटिंग क्योंकि चाइना जो है वो अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है और यू एस स्टैंड फॉर ए लिबरल आइडियोलॉजी स्टिल दीज टू लीडर्स वे आर कमिंग टूगेदर वाई बिकॉज नॉट बोथ वेयर एंटी सोवियत तो इस तरीके से चाइना यू एस पाकिस्तान की एक एक्सेस बनने लगी थी और यही कारण है कि 1970 से लेकर के 1990 तक में यूएस ने मदद की है चाइना की बहुत ज़्यादा मदद की है चाइना की टू बिकम एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड और चाइना ने अलग अलग दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर करके बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व कमाया तो फर्स्ट चाइना बिकेम एन इकोनॉमिक सुपर पावर एंड देन बट ट्वेंटी सेंचुरी इट बिकेम मिलिट्री सुपर पावर तो स्टार्टिंग में यूएस ने ही चाइना की मदद की है नाउ यूएस इज ट्राइंग टू काउंटर राइज ऑफ चाइना तो ये 1970 में ये एक्सेस बना यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सेस 1971 वॉर के टाइम में आपको पता है 1971 में इंडियन फोर्सेस वेंटेड वेंट इनटू ईस्ट बांग्लादेश एंड लिबरेटेड इट एज एन इंडिपेंडेंट न्यू कंट्री आई एम सो सॉरी इट वेंट इनटू ईस्ट पाकिस्तान एंड लिबरेटेड इट एज ए न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश तो ये जो 1971 का वॉर होने वाला था दिसंबर में उस टाइम में चाइना यूएस दे वर शोइंग कंप्लीट सपोर्ट टू पाकिस्तान जबकि उसी को यूएस के और चाइना फैक्टर को नलीफाई करने के लिए इंडिया ने फिर सोवियत यूनियन के साथ फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन की 1971 में तो इस तरीके से अब सब कुछ क्लियर हो गया था कि एक तरफ़ है चाइना पाकिस्तान और यूएस और दूसरी तरफ है इंडिया सोवियत यूनियन तो इस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में डिफ्रेंसेस बढ़ने लगे और पाकिस्तान चाइना नज़दीक आने लगे पाकिस्तान चाइना ने अलग अलग फील्ड्स में कोऑपरेशन किया यही गिना रहे हैं इस आर्टिकल में कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना अभी नज़दीक आए हैं लेकिन ऐसा नहीं है उनके जो आ, ग्रेट ग्रैंड थे मतलब ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है यानी कि, कि जवाहरलाल नेहरू हों या उनकी ग्रैंड मदर इंदिरा गांधी जी उनके टाइम में भी पाकिस्तान और चाइना काफ़ी नज़दीक आ रहे थे 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया इन पोखरन जिसको हम लोग पोखरन वन कहते हैं और इसको हम लोग नाम देते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इंडिया डिक्लेयर कि इट हैज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विच विल बी यूज्ड फॉर सिविलियन पर्पस चाइना ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन 1964 में बना चुका था तो इंडिया ने चाइना के जवाब में 1974 में खुद भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया पोखरन में और फिर पाकिस्तान को चाइना ने मदद करना शुरू किया उसके न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने में तो पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज सिग्निफिकेंटली डेवलप्ड विथ सपोर्ट ऑफ चाइना और यही कारण है कि जब 11 से 13 मई को हमने पोखरण टू किया या ऑपरेशन शक्ति की आपको याद होगा डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जी के लीडरशिप में ये हमने पोखरण टू किया ऑपरेशन शक्ति किया जिसके बाद इंडिया ने अपने आप को 1998 नाइन्टी एट में आ, आ, एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट की तरह डिक्लेयर कर दिया बिकॉज पोखरण वन वॉज जस्ट फॉर द सिविलियन पर्पज़ दिस टेस्ट वॉज जस्ट फॉर द सिविलियन पर्पज़ पोखरण टू यानी कि ऑपरेशन शक्ति के बाद इंडिया डिक्लेयर इट सेल्फ आज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट तो इसके 20 दिन बाद ही लगभग आप देखिए इंडिया ने 11 से 13 मई को किया पोखरण 2 का टेस्ट ऑपरेशन शक्ति और 28 से 30 मई को पाकिस्तान ने कर दिए चगाई टेस्ट और पाकिस्तान ने भी अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया तो भाई 15 से 20 दिन में कोई कैसे कर सकता है सारी तैयारी कैसे कर सकता है इसका मतलब यह है कि पहले से उसको सपोर्ट मिल रखा था पहले से चाइना ने सब कुछ यहाँ पर स्टॉल करा रखा था इट्स ओनली आफ्टर इंडिया टेस्टेड पाकिस्तान ऑल्सो टेस्टेड एंड डिक्लेयर्ड सेल्फ ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट अब मोटा मोटा यहाँ पर एक और बात देख लीजिए कि बहुत कंट्रीज इंडिया हो या पाकिस्तान हो दे आर नॉट सिग्नेटरी ऑफ एन पी टी न्यूक्लियर नॉन पॉलिफर सेंट्रिटी इंडिया न्यूक्लियर डॉक्टर इन होल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी वेल पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी सच पॉलिसी नो फर्स्ट यूज तो मुद्दा यह है कि पहले से भी काफ़ी अप्रॉक्सिमिटी चल रही है दोनों के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन भी काफ़ी स्ट्रांग है दोनों ही साइड्स के बीच में पाकिस्तान और चाइना के बीच में वैसे तो कई सारे प्रोजेक्ट हैं लेकिन उसमें सबसे मेजर प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पी ई सी ये लगभग सिक्सटी टू बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है विच कनेक्ट्स कास्कर रीजन ऑफ चाइना विद गोदार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ये सब प्रोजेक्ट अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना इसकी प्रॉब्लम यह है कि दिस सी पी ई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मूव्स टुवर्ड्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन अब दिस रीजन इज नॉट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया बट ऑफ कोर्स इट बिलोंग्स टू इंडिया एंड दिस रोड हैज़ बिन बिल्ट विदाउट टेकिंग इंडिया इन टू कॉन्फिडेंस या विदाउट कंसल्टिंग इंडिया दिस इज हाउ दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रेजिस क्वेश्चन ऑन इंडियाज सोवरेनिटी टेरिटोरियल सोवरेनिटी स्पेशली ओवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमसे बिना पूछे उन्होंने रोड बना दिया है एंड दिस इज द मेजर ब्लॉकर इन इंडिया ज्वाइनिंग बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर हम चाइना की इन्विटेशन को मान लेते हैं एंड इफ वी ज्वाइन बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विद दिस ऑब्जेक्टिव के चलिए हमें भी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी हमारी विथ यूरोप और हमारा भी ट्रेड बढ़ जाएगा तो उस प्रोसेस में होगा क्या कि इनडायरेक्टली वी विल हैव टू गिव अप आवर कंट्रोल ओवर और वी विल हैव टू गिव आवर क्लेम ओवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सिंस अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हो जाते हैं तो हम सीपीईसी को भी लीगल मानते हैं इसका मतलब यही है और सीपीईसी पीओके से कैसे गुजरता है बिना हमारे परमिशन के सो दिस इज हाउ बिकमिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मींस वी हैव गिवन अ पावर क्लेम ऑन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन एंड दिस इज वाई इंडिया कैन नेवर बी पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अभी ये तो अभी तक की बात हो गई फ्यूचर में भी पाकिस्तान और चाइना के बहुत सारे अपने कन्वर्जेंस एरिया हैं वेयर दे आर सींग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल इन अफगानिस्तान सो लास्ट ईयर फिफ्टीन अगस्त को आपको पता है कि तालिबान कैप्चर्ड पावर इन अफगानिस्तान और तालिबान इज़ कंसिडर टू बी ए डीप और स्ट्रेटजिक एसेट ऑफ पाकिस्तान तो तालिबान और पाकिस्तान की जो भी वहाँ की इस्टबलिशमेंट्स हैं खासकर वहाँ की आर्मी और आईएसआई, उसके तालिबान के साथ काफ़ी अच्छे लिंक्स हैं तो जब से तालिबान पावर में आया है अफगानिस्तान में पाकिस्तान एंड चाइना हैव स्टार्टेड टू कन्वर्ज देयर स्ट्रेटजी रिगार्डिंग तालिबान इन अफगानिस्तान तो अब नाउ चाइना इज ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर एक्सेस टू अफग़ानिस्तान स्पेशली इट्स रिसोर्सेज या फिर यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सेस विद हेल्प ऑफ पाकिस्तान तो वाया पाकिस्तान पाकिस्तान वाया पाकिस्तान चाइना इज गेनिंग एक्सेसिबिलिटी इन टू अफगानिस्तान सो दिस इज़ एरिया वेयर दिस टू कंट्रीज आर हैविंग कन्वर्जेंस इन फ्यूचर इट इज़ बिलीव कि देर हर बिन सेवरल मीटिंग बिटवीन चाइनीज लीडर्स इंक्लूडिंग फॉरन मिनिस्टर एंड तालिबानी लीडर्स तो मुद्दा यह है पाकिस्तान इज ब्रोकरिंग चाइनाज एक्सेस इन टू अफगानिस्तान सो अगेन दिज कंट्रीज हैव बिन कोलाबोरेटिंग कॉल्यूडिंग. Right since 1963 itself, it's nothing new. That uh, these two countries or or have started to collaborate only after 2019. So to claim that the current foreign policy has been poor and that has allowed China Pakistan coming co together, this claim is slightly superficial. अभी पाकिस्तान चाइना रिलेशन को के लिए एक दो टर्म अगर बात की जाए जो आपको आंसर में लिखना चाहिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पाकिस्तान एंड चाइना आर कंसिडर टू बी ऑल वेदर फ्रेंड्स सिंस 1963 सिक्सटी थ्री सिंस पाकिस्तान हैज सीडेड दिस साक्सकम वैली टू चाइना एंड बोथ ऑफ देम टूगेदर एडॉप्ट आई टू पिंसर स्ट्रेटी अगेंस्ट इंडिया आई टू आई मतलब वन आई फॉर इंट्रूजन अनदर आई फॉर इनकर्सन तो पाकिस्तानी साइड से क्या होता है इंट्रूजन या इनफिल्ट्रेशन क्रॉस बॉर्डर टेरिज्म तो यहां से घुसपैठ ही लोग घुसते हैं इंट्रूडर्स पाकिस्तानी साइड से वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ इंट्रूजन राइट और चाइनीज साइड से वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ इनकर्सन यहां से चाइनीज सोल्जर्स पीपल लिब्रेशन आर्मी के सोल्जर्स घुसते हैं एंड दिस दिस इज हाउ दे हैव स्टार्टेड और हैव क्रिएटेड ए काइंड ऑफ पिंसर है चिमटा बना दिया है उन्होंने आई टू पिंसर सो पाकिस्तान और चाइना की काफी पुरानी स्ट्रेटेजी है इंडिया के अगेंस्ट जिसको हम लोग कहते हैं आई टू पिंसर स्ट्रैटेजी सो दिस इज नथिंग न्यू एज क्लेम्ड बाय राहुल गांधी जी इस टॉपिक के बेसिस पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन ने आपको दे रखा है प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्ट इज टेकन फॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इज अबाउट डिप्लोमैटिक बॉयकॉट ऑफ बीजिंग ओलम्पिक्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंबस पेपर थ्री इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू सो देखिए ओलंपिक्स तो आप सोच रहे होंगे पिछले साल ही हुआ है तो फिर से कैसे आ गया तो देखिए पिछले साल जो 2021 में ओलंपिक्स हुआ जहां पे नीरज चोपड़ा जी गोल्ड लेकर के आए थे वो एक्चुअली होने वाला था 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स लेकिन कोरोना के कारण एक साल टल गया ठीक है तो ओलंपिक्स हर चार साल पर होता है लेकिन हर चार साल पर जो मेजर ओलंपिक्स होता है एक्चुअली में उसका हम लोग कहते हैं समर ओलंपिक्स और हर चार साल पर विंटर ओलंपिक्स भी होते हैं जिसमें विंटर के गेम्स खेले जाते हैं आइस स्केटिंग वगैरह तो होता क्या है कि हर चार चार साल पे समर ओलंपिक्स और हर चार चार साल पे विंटर ओलंपिक्स और समर और विंटर ओलंपिक्स के बीच में दो साल का गैप रहता है इसका मतलब ये है कि अगर सरम समर ओलंपिक्स 2016 में हुआ तो विंटर ओलंपिक्स 2018 में होगा फिर समर ओलंपिक्स 2020 में होगा तो विंटर ओलंपिक्स 2022 में होगा तो वैसे ही टोक्यो विंटर टोक्यो समर ओलंपिक्स तो दो में होने वाला था हुआ इक्कीस में बिकॉज ऑफ कोरोना और दो में बीजिंग चाइना की कैपिटल सिटी में होने वाला है विंटर ओलंपिक्स अब विंटर ओलंपिक्स को लेकर के कुछ खबरें आ रही हैं कल से कि जब भी कोई विंटर कोई भी इस तरह का इंटरनेशनल गेम शुरू होता है तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी में हर एक देश अपना एक टॉर्च बियर इस तरीके से भेजता है अपने जो टीम को वो लीड करते हैं उनको हम लोग टॉर्च बियर कहते हैं तो चाइना ने क्या किया है कि एक कमांडर मिलिट्री कमांडर खास को टॉर्च बियर बनाया है और ये मिलिट्री कमांडर वो है जिसने 2020 गलवान वैली बॉर्डर वाले इंसिडेंट में ये इन्वॉल्व था ये थोड़ा बहुत इंजर्ड भी हुआ था इसका नाम है की फैबाओ सो इज़ ए रेजिमेंटल कमांडर इन पीपल्स लिबरेशन आर्मी कैरिंग ओलंपिक टॉर्च तो चाइना ने इस की फैबाए को जो गलवान वैली इंसिडेंट में इन्वॉल्व था उसको विंटर ओलंपिक्स का टॉर्च बियर बना करके इस गेम को पोलिटिसज़ करने की कोशिश की है एंड दिस इज हाउ इंडिया हैज़ बिन इथ दिस डिसीजन कि भाई आप गेम में पॉलिटिक्स डाल रहे हैं एंड देन इंडिया हैज़ रिस्पॉन्डेड एंड हैज़ अनाउंस्ड कि इंडिया विल गो फॉर डिप्लोमैटिक बॉयकॉट ऑफ विंटर ओलंपिक्स डिप्लोमैटिक बॉयकॉट इसका सरल सा मतलब हो ये होता है कि हमारे देश से ऑफिशियल्स जो सीनियर लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं दे विल नॉट बी वेस्टिंग बेजिंग अलॉन्ग विथ आवर एथलीट तो सिर्फ एथलीट्स जाएंगे उनके कोचेज जाएंगे लेकिन हमारे यहाँ से ऑफिशियल्स नहीं जाएंगे दैट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट सो इस कारण से दिस हैज़ हैजिन दिस इशू हैज़ इन न्यूज ये डिप्लोमेटिक बॉयकॉट लगभग दो महीने पहले भी न्यूज़ में था जब यूएस ने और उसके कुछ अलाई जैसे कि ऑस्ट्रेलिया यूके कनाडा इन लोगों ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि दे आर गोइंग फॉर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ बीजिंग ओलम्पिक्स ट्वेंटी उनके डिप्लोमेटिक बॉयकॉट के पीछे कारण अलग था दे बिलीव कि ह्यूमन राइट वॉयलेस गोइंग ऑन इन चाइना स्पेशली इन वी आर मुस्लिम्स अगे इन जिन् जियांग प्रोविंस वी मुस्लिम्स इन जिन जियान प्रोविंस इनके खिलाफ जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहे हैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए यूएस और उसके अलाइज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया यूके या कनाडा इन्होंने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट अनाउंस किया था एंड नाउ इंडिया हैज आल्सो गोन फॉर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट अगेंस्ट विंटर ओलम्पिक्स बट द रीज़न इज़ डिफरेंट स्टार्ट करी सेकेंड फ्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्मर इट अबाउट इंटरनेशनल स्पेस्टेशन दैट विल भी रिटायरिंग और सीजिंग इट्स ऑपरेशन इन ट्वेंटी थर्टी वन दिस टॉपिक इज इम्पोटेंट फॉर आर सिलेलेबस पेपर फोर साइंस एंड टेक्नॉजी पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले समझते हैं ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या तो एक तरह का सेटेलाइट है इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हैबिटेबल सेटेलाइट है मतलब इसमें कुछ लोग रह सकते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स जा करके रह सकते हैं इसमें हैबिटेबल है ये इट इज़ इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट समवेयर एट द हाइट ऑफ अबाउट फोर हंड्रेड किलोमीटर इसको दुनिया की पांच स्पेस एजेंसीज ने नासा ऑफ यूएस रॉक्स कॉस्मोस ऑफ रशिया जैक्सा ऑफ जापान यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑफ़ यूरोप एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी ऑफ कनाडा इन्होंने मिल करके बनाया है और किसी भी टाइम पे इसमें छह एस्ट्रोनॉट्स तक रह सकते हैं तो होता क्या है अर्थ से हम इस तरह का स्पेस शटल भेजते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को ले जाते हैं और ले आते हैं बैक टू द अर्थ एनी टाइम यू कैन हैव अबाउट सिक्स एस्ट्रोनॉट्स इन दिस हैबिटेबल स्पेस सेटेलाइट जिसको हम लोग फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं दे गो दे वर्क दे एयर दे डू सम रिसर्च लेकिन आपको एक और बात जाननी है कि जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स यहाँ जाते हैं वो लंबे समय तक नहीं रहते बहुत लंबा अगर रह गया तो वो छः महीने तक रहते हैं उससे ज़्यादा वो वहाँ इस इंट्रांस स्पेस स्टेशन में समय नहीं बिताते हैं तो क्या कारण है क्यों आखिर इंट्रांस स्पेस स्टेशन में ज्यादा समय नहीं बिताया जा सकता है तो अगर बहुत लंबे समय तक इंट्रांस स्पेस स्टेशन में आप रह गए तो आपके निगेट आपके हेल्थ के ऊपर कई सारे निगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स फर्स्ट इज़ बिकॉज ऑफ द सोलर रेडिएशन तो सोलर रेडिएशंस तो काफ़ी ऑब्वियस हैं जब आप स्पेस में होंगे तो कई सारे तरह के रेडिएशन जो हैं आप उससे एक्सपोज हो सकते हैं दैट कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ दूसरा कारण है ग्रेविटी माइक्रो ग्राविटी मतलब ऑलमोस्ट नेगलीजेबल ग्रेविटी या जीरो ग्रेविटी भाई जब स्पेस में आप चलेगा तो नेचुरली वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तभी तो ये ये जो सैटेलाइट है वो आराम से रिवॉल्व कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ दैट इज़ प्रोवाइडिंग इट काइंड ऑफ सेंट्री फ्यूगल ये सर्कुलर मोशन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ एक्टिंग एज अ सेंट्री फ्यूगल फोर्स प्रोवाइडिंग इट अ सर्कुलर मोशन तो मुद्दा ये है कि वहाँ पर ग्रेविटी लगभग लगभग नेग्लिजेबल है राइट right? बहुत कम है और बहुत कम ग्रेविटी होने के कारण होता क्या है कि चीज़ें बहुत हल्की हो जाएंगी भाई कोई भी चीज़ हेवी हमें क्यों लगता है क्योंकि वो ग्रेविटी के कारण अब ये लैपटॉप आपको उठाना है तो आपको बहुत हल्का लगेगा वहाँ पे आपका खुद का शरीर भी आपको बहुत हल्का लगेगा मतलब कुछ भी आप वेट लिफ्टिंग कर ही नहीं पाएंगे तो इस कारण से आपके मसल्स काम ही नहीं करते हैं स्पेस के अंदर उनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती है स्पेस के अंदर राइट और जब आपके मसल्स काम ही नहीं करेंगे तो धीरे धीरे मसल लॉस होने लगता है अभी पूरे दिन भर में ना चाह ना जानते हुए भी अनकॉन्शियस तरीके से भी कई सारी चीजें उठाते हैं कई सारे काम करते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी बट इन एबसेंस ऑफ ग्रेविटी और मसल्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू वर्क

इसको धीरे धीरे फिर गाइडेड तरीके से ला करके प्लंज कराया जाएगा या गिराया जाएगा इन द साउथ पैसेफिक ओशन क्योंकि स्पेस में तो इस तरह से छोड़ नहीं सकते अदरवाइज इट इट विल क्रिएट स्पेस डेबरी तो इट विल बी गाइडेड एंड ब्रॉट एंड देन सबमर्ज इन टू अ पॉइंट इन साउथ पैसेफिक ओशन इस पॉइंट का नाम है पॉइंट नेमो एक्चुअली द स्पेस क्राफ्ट विल बिगिन इट्स डिसेंट इन ट्वेंटी थर्टी वन एंड विल बी ड्राउंड इन अ साउथ पैसेफिक ओशनिक अन इनैबिटेड एरिया तो ये है साउथ पैसिफिक ओशन का एक अनहैबिटेड एरिया मतलब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में है या साउथ अमेरिका से वेस्ट में है यहाँ पे है पॉइंट नेमो पॉइंट नेमो जो है साउथ पैसिफिक ओशन में है और एक इनैबिटेड अन एरिया है और पॉइंट नेमो को इसको कॉमन नाम दिया जाता है स्पेस सिमेट्री मतलब कई सारे स्पेस जो सैटेलाइट्स हैं उनके लिए कब्र का काम करता है स्पेस सिमेट्री कई सारे इस तरह के डीमिस डी जो स्पेस डेबरी होते हैं यहीं उनको ला करके वहाँ पर प्लंज कराया जाता है या सबमर्ज कराया जाता है इसीलिए ये पॉइंट इज पॉपुलर काफ़ी जो लैंड है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है एंड दिस मेक्स दिस एरिया इज वेरी सेफ फॉर प्लंजिंग स्पेस आइटम्स इस टॉपिक के बेस पर प्रॉम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे फ्रॉम असम सेगमेंट इट इज अबाउट अटेम्प्ट टू लिमिट वीआईपी कल्चर दिस टॉपिक इज यूजफुल फ्रॉम आर पेपर फाइव एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपने भी तो सुन ही लिया होगा ये न्यूज़ कि आसाम कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ट्रैफिक मूवमेंट वोट नॉट बी हाल्टेड बिफोर हैंड ओइंग टू मूवमेंट ऑफ एनी मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पर भी गई तो ट्रैफिक को दो मिनट से ज़्यादा नहीं रोका जाएगा एम्बुलेंसेज़ को प्रायोरिटी दी जाएंगी उसके अलावा चीफ मिनिस्टर का जो ये कार कार्ड चलता है काफिला चलता है गुवाहाटी में उससे छः से ज़्यादा कार्स नहीं हो सकती हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होगा तो उसमें बारह से ज़्यादा कार्स नहीं हो सकती बट दिस विल नॉट इंक्लूड एसकर्ट्स एंड पायलट्स तो ये मुद्दा इम्पॉर्टेंट कैसे हो जाता है डायरेक्टली तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि बताओ हाल फिलहाल में ये चीफ मिनिस्टर ने गाड़ियों को लेकर किया क्या फैसला लिया लेकिन आप इसको एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में मेंशन कर सकते हैं कि रिसेंटली देयर हैज़ बीन एन अटेम्प्ट टू लिमिट वीआईपी कल्चर इन आसाम लिमिट रेड टैपीजम इन आसाम एंड दिस कैन बी कंसिडर एज ए गुड स्टेप टू गुड गवर्नेंस तो गुड गवर्नेंस का मतलब यही है ना कि हर इंसान को मोरलेस बराबर का बराबर का अधिकार मिले बराबर का ट्रीटमेंट मिले राइट एनी वन शुड बी नॉट गिवेन एनी अननेसेसरी प्रिवलेजेज तो जो थोड़े बहुत प्रिवलेजेज हैं वो इसलिए हैं कि आप अपनी काम को अच्छे से अपनी ड्यूटी को अच्छे से डिस्चार्ज कर सकें लेकिन आज कल तो आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स हों या पॉलिटिशियंस हों वो अननेसेसरी अपने पावर को दिखाते हैं अननेसेसरी वो स्कर्ट्स लेके घूमते हैं अननेसेसरी वो ट्राफिक को होल्ड कराते हैं सो दैट इज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस तो उसको कम करने की उस रेड टैपिज्म को और वी आई पी कल्चर को कम करने की कोशिश की गई है विद दिस रिसेंट स्टेप कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं इनर लाइन परमिट सिस्टम डज नॉट कम अंडर इन दीज टू स्टेट्स ऑफ कोर्स मेघालय एंड त्रिपुरा सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टू एंड फोर दैट्स ऑल फ्रॉम आर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग